नमस्कार दोस्तों, नॉलेज ऑफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। किसी भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालने के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड अजम्पशन पकड़ा जाता है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एज़ पर स्पेसिफिकेशन वेरी होता है, एज़ पर लोकेशन भी वेरी होता है। ये नहीं कि यही फिक्स है, बट एज़ पर स्टैंडर्ड ये अजम्पशन है। तो इसमें 5 फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है कंसल्टेंसी एंड आर्किटेक्चरल कॉस्ट, दूसरा है सिविल वर्क्स, तीसरा है फिनिशिंग वर्क्स, चौथा है सर्विसेज जिसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, और पांचवा है साइट एस्टैब्लिशमेंट एंड टेम्प्ररी वर्क्स। तो इसका परसेंटेज या फिर पर स्क्वायर फीट रेट्स कितना है, ये हम आज डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले कंसल्टेंसी कॉस्ट और आर्किटेक्चरल कॉस्ट, उसका कॉस्ट अराउंड 2.5% ऑफ टोटल कॉस्ट आता है, और स्क्वायर फीट में अगर निकालेंगे तो अराउंड 40-45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आता है। सिविल वर्क में जैसे फाउंडेशन है, आरसीसी वर्क है, ब्लॉक वर्क है, प्लास्टर है, ये सब आता है। तो उसमें उसका कॉस्ट अराउंड आता है 53%, या फिर अगर इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ देखेंगे तो 980 रुपीज़ टू 1000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आता है। उसके बाद में फिनिशिंग आइटम का कॉस्ट आता है अराउंड 23%, और कॉस्ट में देखेंगे आप तो 420-450 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आता है। उसके बाद में आता है सर्विसेज में जैसे प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, फायर फाइटिंग हो गया, HVAC हो गया, ये सब सर्विसेज जो है उसका कॉस्ट आता है अराउंड 17%, जैसे 305-320 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आता है। आगे का है साइट एस्टैब्लिशमेंट एंड टेम्प्ररी वर्क्स, इसमें जैसे क्लीनिंग साइट हो गया, बैरिगेशन हो गया, वाटरिंग जैसे साइट के लिए लगने वाला पानी का अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस है, हटमेंट्स है, उसका कॉस्ट आता है अराउंड 4.5%, और इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ वो आता है ₹85-90 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ये जो कॉस्ट बताया है टोटल आप जोड़ेंगे तो ये अराउंड 1800 के आसपास आता है, और ये कॉस्ट एक स्टैंडर्ड अजम्पशन पकड़ के किया गया है। इसमें अगर आप स्पेसिफिकेशंस कौन कौन से हायर लगाएंगे, कौन कौन से चेंज करेंगे, तो ये कॉस्ट में कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है, और लोकेशन के हिसाब से ये कॉस्ट चेंज हो सकता है। तो ये जस्ट एक कॉस्ट अजम्पशन है, एक स्टैंडर्ड आपका टोटल कॉस्ट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आना चाहिए उसके लिए। तो दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।